सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं आप लोग को कि जब बारिश होती है तो कैसे ड्राइव करें और कैसे लोगों को बचाएं और बाइक पर कैसे चलाएं, क्या क्या कंट्रोल होना चाहिए, सामने फॉग जमता है, सारे ट्यूटोरियल के बारे में आज के बताऊँगा मैं आज की वीडियो में। और फॉग कैसे हटाना है, कैसे साइड मिरर को एडजस्ट करना, क्योंकि साइड मिरर में होता है पानी जम जाता है, तो कैसे अपन उसको सही करें और कैसे अपन को ड्राइव करना है। ड्राइविंग बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइविंग करना, तो उससे रिलेटेड मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको ड्राइव करना है बारिश में। सो गाइस, देख रहे हैं आप, ये बारिश हो रही है, साइड मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, उस तरफ भी कुछ नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो वाइपर चलाना कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? गाड़ी स्टार्ट रहना चाहिए उस कंडीशन पे। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ये वाइपर होते हैं, वाइपर भी इस तरीके से यहाँ पर होता है एक कंट्रोल, ये होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये सिंबल ही बने हुए है, वेस्ट ऑफ इंट लो हाई मिट का मतलब एक बार ऑन करने में ये सिर्फ एक ही बार ऑन होगा। देखो ये एक बार ऑन हुआ, ठीक है, इसके बाद ऑफ हो जाता ऑटोमेटिक। फिर इंट मतलब एक बार ऑन होगा, फिर तीन चार सेकंड में फिर एक बार ऑन होगा, देखो ये हो रहा है, फिर अभी ऑन होगा, देखना अभी। जब नॉर्मल रिमझिम रिमझिम टाइप की थोड़ी थोड़ी बारिश होती उस टाइप में करता है, लो मतलब धीरे धीरे चलता ही रहेगा, ज़्यादा तेज बारिश नहीं, धीरे धीरे चल रही, जैसे अभी चल रही बारिश कंडीशन में ये वाला वाइपर ऑन कर सकते इस तरीके से, ठीक है। हाई मतलब सबसे नीचे कर दिया जाता तो तेज, जब बहुत तेज बारिश होती है, बहुत हाई लेवल पे बारिश होती है, बिल्कुल दिख नहीं रहा जैसे, तो बहुत तेज ओपन करना होता है। और इसके साथ में एक चीज़ और कि आप ये देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश होने में फॉग जम जाता है गाड़ी के सामने, बहुत ज़्यादा फॉग जम जाता है। फॉग में क्या करें, अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया फॉग जम रहा है, बाहर से जाके साफ करते हैं, अंदर से कपड़ा मारते हैं, ऐसा कुछ गलती करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, गाड़ी स्टार्ट रहना चाहिए, यहाँ पे रहता है एटमॉस्फेयर, ये सामने की एसी रहता है, ये पैरों के नीचे और सामने, ये पैरों के नीचे ये दिए गए एटमॉस्फेयर, सामने यहाँ पर एक होता है, यहाँ से हवा आती है बिल्कुल, तो ये कांच को पूरा क्लीन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो अपन को ये डायरेक्शन पहले चेंज करना, किस तरफ करना है, ये फुल ये एटमॉस्फेयर नीचे का, यहाँ से इधर भी कर सकते हो, ये एटमॉस्फेयर रहता है, यहाँ से तीनों बीच में कहीं भी कर सकते हैं आप। इसके बाद अपन को देखो बारिश में चल रहा है, अपन को गर्मी भी लग रही है, तो नॉर्मल कूल पे रख सकते हो, नॉर्मल में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, सामने का क्लीन कांच हमेशा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने ऑन किया, अब यहाँ से एक नॉर्मल हवा आ रही होगी, वो ये धीरे धीरे ये फॉग को हटाएगा, थोड़ा तेज कर, ज़्यादा तेज फॉग है, थोड़ा तेज कर सकते हैं नॉर्मल, देखो ठीक है, ठंड में गर्म वाला कर सकते हैं और गर्मी में ठंड वाला भी कर सकते हैं, ये देखो ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है, देख सकते हैं गाइस, ये अभी देखो कितना फॉग सामने जमा हुआ है, फॉग लगा हुआ है, इसमें अपन को सामने की विजिबिलिटी होती है ना वो क्लियर नहीं आती है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, उस कंडीशन पर आप सामने की विजिबिलिटी ऑन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से देख सकती हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्राइव की जाती है बारिश में, जब बहुत तेज बारिश हो तो पूरा वाइपर फुल चल रहा है, देखो अगल बगल बहुत तेज बारिश हो रही है, इस तरीके से अपन को ड्राइव करना होता है, बहुत कम विजिबिलिटी दिखती है सामने से, तो अपन को बहुत अंदाजे से गाड़ी चलानी होती है, लाइट भी जला सकते हैं बारिश में, और जो पानी होता है नीचे जो स्लैब पे भरा होता है वहाँ बहुत आराम से गाड़ी निकाली जाती है। तो इस तरीके अपन फॉग हटा सकते हैं और बारिश में ड्राइव भी कर सकते हैं, और साइड मिरर भी देख, साइड मिरर में तो कुछ नहीं दिखता, तो बहुत अंदाजे से चलना पड़ता है, क्योंकि इसको नहीं अपन साफ कर सकते, उस तरफ भी साफ नहीं कर सकते, इस तरीके से अपन ड्राइव कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।